भाई यहाँ तुम नए हो क्या? कहाँ जाना है? मुंबई। अरे ये वो मछली है जिसे पकड़ने के लिए जाल बिछाने की कोई जरूरत नहीं। वैसे यहाँ तुम्हारा कोई है दोस्त रिश्तेदार या कोई गांव वाला? अरे तो आज से अभी से इसी क्षण से तुम्हारा भाई दोस्त रिश्तेदार सब कुछ मैं हूँ, और आज से अभी से इसी क्षण से ये पतलून तुम्हारा सारा बोझ उठाता है। चलो मेरे साथ चलो। हम बिहारी है, BIHARI। अरे भाई देखो ना, हम मुंबई पहुंच गए हैं। ये देखो कितना बड़का बड़का बिल्डिंग है, इतना बड़का बड़का है कि कितना ताला है गिनाइयो नहीं रहा है। और तुमको पता है हमको यहाँ एगो आदमी मिला है जवान हमारे लिए दोस्त रिश्तेदार भाई सब कुछ उहे है। भाई तनी ध्यान से, ऐसे लोग दोस्त रिश्तेदार नहीं चोर होते हैं। अरे कहाँ गया? ओ सुबह हमारा बैग लेके भाग गया, उसमें हमारा कागज पर्स पैसा सब कुछ उसी में था। अरे भाई देख देख कहीं आसपास ही होगा देख। अच्छा मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है, बाद में फोन करता हूँ, चार्जर वही बैग में है। ठीक है देखता हूँ किधर गया। हेलो, हाँ कुछ पता चला कि नहीं? नहीं अभी कुछ पता नहीं चला। अरे तुम्हारा बैग चोरी हो गया, तुम कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, पैसा भी तो नहीं है ना तुम्हारे पास? अभी मोबाइल चार्ज नहीं है, जा रहा हूँ फ़ोन स्विच ऑफ करने, देखता हूँ क्या होता है, जो भी होगा तुमको बताऊँगा आराम से। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। सब इसमें का फोटो हटाकर मेरा फोटो लगाना है, और इसका नंबर चेंज करके मेरा नंबर डालना है, और 5,000 के जगह पर 5,00,000 लिखना है। क्या करोगे भाई? आप 50 रुपये में जितना हो जाए उतना करके दे दीजिए, बाकी करना मुझे।
अच्छा तो वो चोर से हमको तुम्हारे पप्पा बन के बात करना है। हाँ और कोनो दूसरा तुमको लालच में पढ़ के ले गया तो? इसीलिए तो मास्क लगा के बैठे हैं, कोई पहचानेगा ही नहीं। और अगर वो देख लिया ना तो फिर हम उसके सामने डायरेक्ट प्रकट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन वो चोर आसपास में होगा तब ना। होना चाहिए। चलो फोन रखता हूँ, तुम अपना तैयारी करके रखना। हमारे दोस्त यार रिश्तेदार कहाँ चले गए थे? नहीं मैं सामान रखने गए थे ताकि हमको अकेले बुला के ले चले। ये तो दिमाग से पूरा पैदल है। अरे वाह, तुम तो बिना बताए सबको समझ जाते हो। आपका घर कितना दूर है एजन से? बस बगल में ही, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक है। ठीक है बैठो। तुम आराम करो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूं। हेलो सर, आपका लड़का मिल गया है, मेरे ही पास है। आप इनाम का पैसा तैयार रखिए और एड्रेस भेजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। क्या क्या सच में क्या खुशखबरी दिया है, आज मैं बहुत खुश हुआ। इसके बदले 50 लाख क्या 1 करोड़ दूंगा तुम्हें। क्या 1 करोड़? हाँ लेकिन सच में तुम्हारे पास ही है ना? हाँ मेरे ही पास है मुंबई में, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो बात भी करा सकता हूँ। क्या मुंबई चला गया? जिसका डर था वही हुआ। क्या डर था? उसे मुंबई घूमने का बड़ा शौक था, भाग के चला गया। तुम 15 दिनों में उसे पूरी मुंबई घुमा दो, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसे मेरे बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए, वरना वो वहाँ से भी भाग जाएगा। मैं 15 दिन बाद आता हूँ पैसे लेकर और उसे ले जाता हूँ। और मुझे ये बिल्कुल नहीं सुनने को मिलना चाहिए कि मुंबई का कोई जगह छूट गया, वरना मैं तुम्हें 1 रुपये भी नहीं दूंगा। ठीक है, मैं उसे एकदम राजा की तरह रखूंगा और 15 दिनों में उसे मुंबई का गूगल बना दूंगा। खाओ खाओ मेरे कुबेर के खजाना, भरपेट खाओ। और कोई चीज की दिक्कत हो तो बेझिझक बताना, आज से मैं तुझे पूरी मुंबई की सरकार आता हूँ।
भाई पूरी मुंबई अच्छी तरह से घूम लिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरी मुंबई अपने खर्चे पर घुमाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, आपने तो मेरा ऐसा ख्याल रखा जैसे कोई बीवी अपने हस्बैंड की भी नहीं रखती। क्या आज पूरे 15 दिन हो गए मेरे 1 करोड़ रुपए। अजनबियों का बैग चुराने वाले को कुछ तो सजा मिलना चाहिए। मतलब सब झूठ था? सब झूठ नहीं था भाई, एक सच था। मुझे मुंबई घूमना था और वो आपने बहुत अच्छे से किया। चलो अब चलता हूँ, बाय। अपना ख्याल रखना जैसे आपने इन 15 दिनों में मेरा रखा। लेकिन तुम ऐसे नहीं जा सकते, मेरा 15 दिन बर्बाद किए हो और 20,000 रुपए भी। मेरे दोस्त यार, रिश्तेदार, आप नहीं चाहते कि हम डायरेक्ट घर जाए बल्कि बगल वाले थाने से होकर जाए? तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और इसे निगेटिव लेने की कोई जरूरत नहीं। आप बिहार मुंबई मत करने लगिएगा क्योंकि चीज़ें इस टाइप की शहरों में हो जाती है, घटनाएं, चाहे आपके बिहार के पटना में भी मिल जाए या दिल्ली में मिल जाए, मुंबई मतलब होता है भाई शहरों में। तो थोड़ा शहर में आप नए जाते हैं तो सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि हमने भी बहुत सारी चीज़ें झेला है। और तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दिए होइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होइएगा। अगर आपको इसका BTS बिहाइंड द सीन देखना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप आइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे देख सकते हैं। @funfriendindia ID है इंस्टाग्राम पे, डायरेक्ट साइज सर्च करके फॉलो करिए यार, वहाँ पे भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ें और अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं आपको। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद। नेक्स्ट संडे मिलते हैं फिर से एक नया धमाकेदार वीडियो के साथ।